यूपी के जनपद हापुड़ के गांव देवली में सुबह सैर करने के लिए गए तीन लोगों को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची सिंभावली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल पर पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण करते हुए शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। दरअसल देवली गांव में रहने वाले सुरेंद्र भाटी सुजीत भाटी गांव के ही रहने वाले सिराजुद्दीन के साथ सुबह सैर करने के लिए गए थे। जैसे ही वे गांव के निकट जंगल में पहुंचे तो तभी बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने वीरेंद्र और सुजीत पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में दोनों गंभीर रूप से घायल होकर गिर गए। इसको देखकर सिराजुद्दीन ने शोर मचाया तो बदमाशों ने उसके भी पैर में गोली मार दी, जिससे वो भी घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना स्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और पुलिस तफ्तीश में जुट गई। साथ ही पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सुबह वे घूम आए थे, बैठे थे हम साथ में, इससे उठ के गए। मैं भी बाहर को निकल गया इस साइड को, उनसे थोड़ा पांच लगे गांव को घर को जावल लगे। अगले ट्यूबवेल पे पानी भर रहे थे मच्छी उच्छी के लिए, गाड़ी उड़ी में वे वहाँ बतलावल लगे। वो लड़के पहले ऐसे ही गए, उन्होंने कई चक्कर काटे थे तीन चार, तो वो वापसी आके वहाँ रुक के, किस चीज पे थे वो लड़के? पल्सर गाड़ी थी काले रंग की, दोनों ने ढाटे बांधे हुए, एक लड़के ने काली शर्ट पहनी हुई है। फिर क्या हुआ? उतरते साथ उसने गोली चलानी चालू कर दी। मैं जब पहली गोली चलते ही मैं देखा क्या होगा, मैं भाग निकला जी, मैं खेतों में ईखों में घुस गया। फिर किस किस के गोली लगी है? देखो जी, सुजीत भाटी के, वीरेंद्र भाटी और सरपुद्दीन के। थाना सिंभावली के ग्राम देवली में आज सुबह लगभग 6:15 बजे सुजीत नामक एक व्यक्ति अपने ट्यूबवेल पर अपने दो अन्य साथियों के साथ आए थे, जहाँ दो काली बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायर कर दिया, जिससे तीनों को गोली लगी है। तीनों को मेरठ में उपचाराधीन एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इसमें पुलिस ने तत्काल मौका मुहैया किया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है।